हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल टेक्निकल मधुरम पर आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको पीडीएफ फाइल से एक एजुकेशनल वीडियो बनाना सिखाने वाला हूं। और दोस्तों, पीडीएफ फाइल से आप एजुकेशनल वीडियो कैसे बना सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन और इसका पूरे विवरण के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल टेक्निकल मधुरम पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन को सबसे पहले देखने के लिए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं टेक की बात टेक्निकल मधुरम के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप पीडीएफ फाइल से जो है आपका एजुकेशन वीडियो कैसे बना सकते हैं दोस्तों, उसके लिए आपको तीन चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला है दोस्तों हमारा ड्यू रिकॉर्डर। दोस्तों, ड्यू रिकॉर्डर क्या काम आता है? ड्यू रिकॉर्डर आपकी वीडियो रिकॉर्ड करेगा दोस्तों। और दोस्तों, जैसे ही आप अपने व्यूवर्स को अपना क्वेश्चन समझाएंगे तो उसका जो आंसर होगा आप बताएंगे, तो उसको उसके आंसर को हाईलाइट करने के लिए ये ब्रश बहुत अच्छा दोस्तों फीचर है ड्यू रिकॉर्डर में। दोस्तों, ड्यू रिकॉर्डर दोस्तों बहुत अच्छा फीचर है दोस्तों। इससे आप अपनी वीडियो को आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं इजीली, बिल्कुल 1080 पिक्सल में दोस्तों आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो रिकॉर्डर में आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, ये आपके लिए बहुत बेटर है। और नहीं तो अगर आपके पास कुछ और, यानी कि कोई और आपके पास रिकॉर्डर है, वो भी दोस्तों चल जाएगा। दोस्तों, आप जैसा चाहें वैसा कोई रिकॉर्डर आप इंस्टॉल करके आप आसानी से जो है एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको ड्यू रिकॉर्डर ही सजेस्ट करूँगा। तो दोस्तों, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट बात कि आप फर्स्ट नंबर पे दोस्तों आप अपनी वीडियो ड्यू रिकॉर्डर से भी और किसी अन्य रिकॉर्डर से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दूसरी बात आती है दोस्तों हमारे यहाँ पे एडोब एक्रोबेट रीडर की। दोस्तों, एडोब एक्रोबेट रीडर होता क्या है? तो दोस्तों, एडोब एक्रोबेट रीडर एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आपका जो पीडीएफ फाइल है वो लोड होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपके पास दोस्तों पीडीएफ फाइल होगा, तो पीडीएफ फाइल दोस्तों जैसे ही आप एडोब एक्रोबेट को डाउनलोड करेंगे, और दोस्तों एडोब एक्रोबेट डाउनलोड करने के बाद आपको एक अपनी जो पीडीएफ फाइल आपकी डाउनलोड होगी, तो पीडीएफ फाइल पे आप क्लिक जैसे ही करेंगे तो पीडीएफ फाइल आसानी से ओपन हो जाएगी और इजीली आपके लिए वर्क करेगी। और आप आसानी से जूम आउट करके, जूम इन करके आप आसानी से अपने जो व्यूवर्स हैं उनको जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझा सकते हैं और ब्रश की मदद से हाईलाइट कर सकते हैं दोस्तों। तो एडोब एक्रोबेट दोस्तों बहुत अच्छी एप्लीकेशन है दोस्तों एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए एडोब एक्रोबेट और ड्यू रिकॉर्डर बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं थर्ड नंबर पे। दोस्तों, थर्ड नंबर पे हैं जो हमारे लिए बहुत मेन होने वाला है। तो दोस्तों, थर्ड नंबर पे आता है पीडीएफ फाइल। तो दोस्तों, पीडीएफ फाइल जो है वो आपको खुद को ही बनानी पड़ेगी, खुद को ही क्रिएट करनी पड़ेगी। जो भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपने व्यूवर्स को बताने वाले हैं उनको आपको कलेक्ट करना होगा, या फिर आपको टाइप करके एक पीडीएफ फाइल बनानी होगी और पीडीएफ फाइल क्रिएट कर लेनी होगी। फिर आप पीडीएफ फाइल जैसे ही क्रिएट कर लेंगे तो आप एडोब एक्रोबेट को डाउनलोड करके, ड्यू रिकॉर्डर को डाउनलोड करके आप आसानी से अपना एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप पीडीएफ फाइल अपने आप बना लेंगे, और दोस्तों ड्यू रिकॉर्डर है वो आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे? दोस्तों, ड्यू रिकॉर्डर का है वो आप आसानी से दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको जो है प्ले स्टोर पे दोस्तों अवेलेबल नहीं है, वो आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा। और दोस्तों, ड्यू रिकॉर्डर आप आसानी से गूगल या फिर गूगल क्रोम से दोस्तों आसानी से ड्यू रिकॉर्डर फॉर एंड्रॉयड सर्च मार के आप डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं, वो भी न्यू वर्जन के साथ आप ड्यू रिकॉर्डर को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा दोस्तों। आप इसे आसानी से गूगल या फिर गूगल क्रोम या फिर आपका कोई अन्य ब्राउजर है उससे आप ड्यू रिकॉर्डर को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, चलिए बात दोस्तों एडोब एक्रोबेट की। तो एडोब एक्रोबेट आपको आसानी से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं एडोब एक्रोबेट रीडर, आपको वहीं पे ये एप्लीकेशन मिल जाएगा और आप आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी बात हो गई है यहाँ पे कि ड्यू रिकॉर्डर आपको गूगल क्रोम या फिर किसी अन्य ब्राउजर पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, एडोब एक्रोबेट आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, और दोस्तों पीडीएफ फाइल आप आसानी से खुद से बना सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, अब जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ एडोब एक्रोबेट को यहाँ पे दोस्तों एडोब एक्रोबेट को ओपन करके। तो जैसे जल्दी से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ दोस्तों मैंने जो है एडोब एक्रोबेट रीडर जो एप्लीकेशन है वो
ओपन कर लिया है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे अपन को कुछ रिसेंट में अपन को कुछ पीडीएफ मिल रही है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर की जो हमारी पीडीएफ है इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और इसे ओपन कर लेता हूँ, तो फिर हमें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है दोस्तों। और जो भी अपना क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे जो भी आप क्वेश्चन बताएंगे उसे आपको जूम कर लेना है दोस्तों। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ कि आप अपने व्यूअर को कैसे दोस्तों आप एजुकेशनल वीडियो आप कैसे पढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों इसका आंसर मान लीजिए आप एग्जाम्पल के लिए दोस्तों सही नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। इसका आंसर मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, तो इसका आंसर है दोस्तों फुटबॉल। दोस्तों राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है फुटबॉल से, यानी कि राधा मोहन कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। यानी कि आप ब्रश का ऑप्शन दबा के अपना जो आंसर है वो हाईलाइट कर सकते हैं आसानी से दोस्तों एडोब एक्रोबेट से। और दोस्तों मैं आपको एडोब एक्रोबेट इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इससे आपका जो काम है आप अपने जो एजुकेशन वीडियो है वह आसानी से आप बना सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि अगर आप नॉर्मल पीडीएफ व्यूअर यूज़ करेंगे, अपने मोबाइल का पीडीएफ व्यूअर यूज़ करेंगे, तो दोस्तों क्या होता है दोस्तों उसको भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। अपने डाउनलोड मैनेजर में आके दोस्तों उसमें आपको क्या प्रॉब्लम होती है, तो मैं अभी अपने डाउनलोड मैनेजर पे दोस्तों आ जाता हूँ। तो यहाँ दोस्तों मैं अपने डाउनलोड मैनेजर पे आ गया हूँ। और दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे दिख रहा है सामान्य ज्ञान वाली जो आपको पीडीएफ दिख रही है, तो इसे मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जो अपना पीडीएफ व्यूअर है मोबाइल का, इसका परमानेंट व्यूअर है ये पीडीएफ व्यूअर। तो जैसे मैं इसको जूम करूँगा, ठीक है, ये दोस्तों जूम हो जाता है। जूम होने के बाद दोस्तों जैसे ही आप जैसे अपने लिए पढ़ेंगे क्वेश्चन व्यूअर्स के लिए, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है, और जैसे ही आप अपने आंसर को हाईलाइट करेंगे, तो जैसे आप ब्रश पे क्लिक करेंगे, तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे दिख रहा है जैसे आप फुटबॉल पे जैसे कि हाईलाइट कर देंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये जो अपना एप्लीकेशन बार है वो नीचे की तरफ यानी डाउन की तरफ आ जाएगा, जिससे कि आपको थोड़ा डिस्टर्ब होगा, यानी कि डिस्टर्ब महसूस होगा कि आपका जो क्वेश्चन की जो लाइन होगी वो दोस्तों हाइड हो जाएगी इसकी वजह से दोस्तों। तो ये आपको डिस्टर्ब करेगा दोस्तों आपके जो मोबाइल का पीडीएफ व्यूअर है, इससे आपके दोस्तों यही प्रॉब्लम होती है दोस्तों। जैसे ही आप अपने क्वेश्चन का आंसर बोलेंगे, यानी कि आपका आंसर आप जैसे ही हाईलाइट करेंगे दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं जैसे ही आप हाईलाइट करेंगे फुटबॉल, तो यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन बार है वो नीचे की ओर आ जाता है और आपका जो क्वेश्चन है वो हाइड हो जाता है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों यही दोस्तों प्रॉब्लम है जो कि हमारा दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे जो हमारा पीडीएफ व्यूअर है मोबाइल का उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। और दोस्तों जैसे कि मैं आपको एक और बार एडोब एक्रोबेट रीडर में आके आपको बता देता हूँ कि उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों और बहुत इजीली उसमें काम होता है, तो मैं अपने एडोब एक्रोबेट रीडर पे आ जाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ मैं दोबारा एडोब एक्रोबेट रीडर पे आ गया हूँ, मेरे डाउनलोड मैनेजर से मैं डायरेक्ट एडोब एक्रोबेट रीडर पे आ गया हूँ। दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो पीडीएफ है इस पर मैं दोबारा से क्लिक कर लेता हूँ। और दोस्तों वो जो आपको अपने मोबाइल का जो है पीडीएफ व्यूअर उसमें जो प्रॉब्लम दिख रही थी दोस्तों आपको, वो इसमें आपको नहीं दिखेगी और बिल्कुल ईजिली आपके लिए वर्क करेगा दोस्तों एप्लीकेशन। दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर जूम किया है इसको। जूम करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप अपने व्यूअर्स के लिए पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है, तो इसका आंसर मान लीजिए दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि फुटबॉल। तो आप जैसे ही अपने आंसर को हाईलाइट करेंगे, तो दोस्तों ब्रश पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो ऊपर ही ऊपर साइड है बिल्कुल भी एप्लीकेशन बार नज़र नहीं आएगा और आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो दोस्तों यही फ़र्क आप पड़ जाता है दोस्तों अपने मोबाइल के पीडीएफ व्यूअर और एक्रोबेट यानी कि एडोब एक्रोबेट रीडर में, यही फ़र्क है दोस्तों। एडोब एक्रोबेट रीडर आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा दोस्तों, एडोब एक्रोबेट रीडर ही दोस्तों आपका जो एजुकेशन वीडियो बनाने में दोस्तों बिल्कुल बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैंने इसी प्रकार आपको बताया कि आप आसानी से कैसे पीडीएफ फाइल से आप आसानी से एक एजुकेशनल वीडियो कैसे बना सकते हैं दोस्तों, ये मैंने आपको पूरा ट्यूटोरियल इस वीडियो में बता दिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की दोस्तों, प्लीज़ एक लाइक एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिए। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के
ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको जो भी मेरी न्यू वीडियो आएगी इसी प्रकार की, तो आपको वो सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरी वीडियो का, तो आप आसानी से इस टाइप से मेरी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही मैं बताना चाहूँगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।